हाय एवरीवन, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं अमेजिंग ईटरीज। और अमेजिंग ईटरीज पे आप जैसे जानते हैं कि जो चैनल है वो पूरा फूड के सफर के मतलब जायके के सफर के बारे में है। लेकिन एक बात है जो कि आपने नोट की होगी, वो मैंने भी नोट करी, वो ये कि हमारे वीडियो पे पूरे चैनल पे अभी तक एक भी बिरयानी का वीडियो तो है ही नहीं। तो जो जायकों का जो सफर है वो बिना बिरयानी के कैसे कंप्लीट हो सकता है। तो आज मैं आपको खिलाने लेके आया हूँ बहुत ही मजेदार और ऑथेंटिक बिरयानी। मेरा भी यहाँ पे आने का बिल्कुल पहली बार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन एक दो लोगों ने मुझे रेकमेंड किया था कि यहाँ पे आओ, यहाँ की बिरयानी ट्राई करो, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो बस इंस्टाग्राम पे मेरे को एक दो मैसेजेस आए और उसके बाद मैं यहाँ पे पहुंच गया। तो ऐसी कोई जगह अगर आपको भी पता है जो कि खास हो, मजेदार हो, अंदर जाके दिल्ली के अंदर हो या कहीं पर भी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। मैं आज आया हूं बाजार चिटली कबर, ये जो एरिया है उसका नाम है बाजार चिटली कबर, पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद के पीछे वाली साइड का एरिया है ना, पुरानी दिल्ली के पीछे वाली साइड का एरिया है। और इस जगह को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक मिनट आना प्लीज। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबाब। ये मोहम्मद शबाब जी मेरे साथ हैं, ये यहाँ के बिल्कुल है ना इसी एरिया के हैं। तो मोहम्मद शबाब जी एक बात बताओ, यहाँ पे ना अगर कोई आएगा तो मैं जैसे आया हूँ ना पीछे गलियों में घूम घूम के, उसके बाद मैंने ये जगह ढूंढी है, तो अगर कोई बंदा अगर वहाँ से आना चाहे तो आसान रास्ता कैसे आप थोड़ा सा बताओ, ताकि सुनने वाले को पता हो कि कैसे आया जा सकता है। हाँ जी प्लीज। जामा मस्जिद मेन गेट के ऊपर नंबर एक गेट से आप इधर आइए, मेन चिटली कबर चौक से आप हवेली आजम खां पूछ लीजिए, तौसीफ बिरयानी वाले। तौसीफ बिरयानी वाले जो एक बहुत अच्छे बहुत मशहूर बिरयानी वाले हैं, बहुत लज्जतदार, इस पूरे एरिया के अंदर सबसे वन नंबर बिरयानी है। यहाँ पे आप आइए और यहाँ आके चेक करिए। तो एड्रेस इन्होंने बताया, उसके बाद में मैं गूगल लोकेशन लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। मोहम्मद तौसीफ की बिरयानी आज ट्राई करेंगे। सर जी ने इतनी तारीफ कर दी है, लेकिन आपकी बात मानेंगे नहीं जब तक हम खुद खा के ना ट्राई कर लें। अच्छी बात है, आप लोग खाइए और औरों को भी लेकर आइए। ठीक है, अभी जाके खा के देखते हैं। एक बात है बिरयानी की जो बड़ी खास होती है, अंदर खाते हुए बात करेंगे तब बताऊंगा। लेट्स गो। ओ वाओ, ये है दिखने में यार, मतलब अगर आप डीप अंदर दिल्ली के अंदर आ रहे हैं हिडन जेम्स को ढूंढने के लिए, और उसके बाद जो ट्रेजर हंट मतलब जो खजाना है खाने का जायके का, वो आपको यहाँ पे ऐसा दिखता है। ये है चिकन बिरयानी, कितने की है ये चिकन बिरयानी? 180 रुपए किलो है, फुल केजी। फुल केजी 180 और हाफ? हाफ 90 रुपए का। मतलब हाफ प्लेट मतलब 500 ग्राम। तो 500 ग्राम जो ये चिकन बिरयानी है वो ये आपको मिलेगी 90 रुपए की और 180 रुपए की एक किलो। हमने मोहम्मद तौसीफ की जो बिरयानी की दुकान है और उनके बिल्कुल सामने इनका एक वर्किंग स्टेशन है, मतलब यहाँ पे जो है बिरयानी वो बन रही है। बड़ा पतीला, हैवी लोडेड क्वांटिटी, मतलब बहुत सारी बिरयानी आप ये देख रहे हो इसके अंदर। अभी तो बॉइल्ड राइस जो है, जो सफ़ेद राइस जो होते हैं वो बनाए हैं। तो ये जो है वो नेक्स्ट लॉट जो है वो बिरयानी का वो बना हुआ है। तो कभी कभी कैमरा लेके आने का फ़ायदा हो जाता है कि आप अपने ना गोडाउन के अंदर इनके जो पीछे वाला जो एरिया होता है इसके अंदर भी आके सारी चीज़ें देख सकते हो। आप ये देखो, इसके दो तीन यहाँ पे बड़े बड़े पतीले यहाँ पे रखे हुए हैं। ये रहा पहला, ये आप देख रहे हैं, ये रहा दूसरा, वो आप देख रहे हैं वहाँ पे तीसरा। तो ये तीन चार जो है वो बैक टू बैक इन्होंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि स्वाद है तो डिमांड तो ऑफकोर्स होगी ही, और इसीलिए तो आप सब लोगों ने मुझे रिकमेंड करा और मैं यहाँ पे आया हूँ। ये वाला एरिया इनका जहाँ पे सब कुछ तैयार होता है, आप ये देखो कि जो चावल है वो इसके ऊपर, वाओ, मतलब नीचे सब रेडी है ना ये बिरयानी एकदम। तो नीचे मसालेदार जो बिरयानी है वो बिल्कुल सारी रेडी है, जो लेयरिंग है जो इसकी हो रखी है। अभी इसमें देख सकते हैं नीचे का, एक खुरपा मार गए अभी नहीं, क्या ये क्या है? अच्छा ये देखो, ओ है अच्छा अचार, अभी इसको और पकेगा ये? अच्छा
ये यार बिल्कुल है ना लखनऊ स्टाइल की जो बिरयानी बनाने का जो तरीका होता है ना वो है। आप ये देखो इसके ऊपर है ना बाद में पूरी लेयरिंग इसके अंदर हो जाती है इतने बड़े पतीले के अंदर, और उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा खटास के लिए है ना जो मिर्ची और उसके अंदर क्या नींबू का अचार होगा, ये मिर्ची और नींबू थोड़ा सा स्पाइस थोड़ी सी खटास एकदम ऊपर एक लेयर बना देते हैं, तो उसमें दम लगाएंगे और फिर जाके बिरयानी रेडी होके आपकी आती है प्लेट में। अब खाते हैं यार, चलो लेट्स गो खाओ। चिकन बिरयानी की ये बड़ी सारी प्लेट, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो है इसको ये हाफ प्लेट कहते हैं तो फुल प्लेट पता नहीं किसको कहते होंगे। अगर आप एक एवरेज फूड ईटर है तो आपको मेरे हिसाब से लेनी चाहिए दो लोगों के बीच में एक हाफ प्लेट, और उसके बाद अगर आपको लगे कि भाई एक और प्लेट मंगवाने की जरूरत है उसके बाद दूसरा मंगवाना, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ही अगर आप हाफ हाफ प्लेट मंगवा लोगे तो फूड वेस्ट होगा। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, ऐसे सब चीज़ें करा करो ताकि फूड भी वेस्ट ना हो और आपके जो है वो थोड़े से पैसे भी बच जाएं और खाने पीने का भी इंजॉय कर सकें। लेकिन मैं तो आपको पता है थोड़ा ज़्यादा ही खाता हूँ, तो मैंने अपने लिए ना हाफ प्लेट बिरयानी जो है वो मंगवा ली है। ये रहा एक बड़ा वाला पीस और ये रहा एक और यहाँ पे लेग पीस जो है, और एक और तीसरा, और ये जो है वो है चौथा, और इतना सारा इसके अंदर ये जो राइस है वो है। और राइस का अगर मान लो कोई भी अगर मैं वो ले रहा हूँ ना, मैं चम्मच से अगर मैं उठा रहा हूँ तो उसके अंदर भी छोटे बड़े चिकन के पीसेस हैं। ये है अचार, मिर्ची का अचार है, और थोड़ा सा ना इसके अंदर जो नींबू का अचार भी था शायद मेरी प्लेट के अंदर नहीं आया, और उसके बाद ठंडा ठंडा रायता, रायते के अंदर इसमें धनिया है और नमक मिर्च। मीठी बिरयानी, बहुत सारा इसके अंदर चिकन का पीसेस है, 90 रुपए में आधा किलो, जो लौंग का बिल्कुल हल्का सा जिनका जो टेस्ट होता है वो है, थोड़ा सा इलायची का टेस्ट है, अच्छे से पके हुए खिले खिले से चावल और मस्त बिरयानी 90 रुपए की। लंच के टाइम पे अगर आप आएंगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मुझे मालूम है आप मुझे बता दोगे कि आपको पसंद आई है, इतनी अच्छी है ये। तो जी आज यहाँ पे मैंने बिरयानी खाई और बिरयानी बहुत ही अच्छी लगी, तो बिरयानी खाते हुए ऑफ द कैमरा मैं यहाँ के जो ओनर है ना साजिद भाई, उनसे मैं थोड़ी सी बात भी कर रहा था, तो अच्छी बिरयानी के बारे में साजिद भाई से थोड़ी बात हुई। ये रे साजिद भाई यहाँ पे है ना, इन्होंने थोड़ा सा डीपली मुझे बताया कि बिरयानी क्या है। तो ऐसी जगह के ऊपर जब आते हैं जहाँ पे वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, साजिद भाई थैंक यू सो मच, ठीक है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, आपकी बिरयानी बहुत ही अच्छी थी। तो ऐसी जगहों के ऊपर जब आते हैं ना, जो पुरानी जगह होती है जहाँ पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे मैं ना बैठ के आराम से उनके जो ओनर्स होते हैं या फिर उनके जो पुराने जो लोग होते हैं उनसे मैं थोड़ी सी खाने के बारे में बात कर लेता हूँ, ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो बढ़े और मेरे को इसी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है, जिसको मैं आप सब लोगों के साथ जो है वो मैं आगे बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ। आज एक छोटा सा वीडियो था बिरयानी के बारे में, अब मैं आपसे लेता हूँ इजाजत, ऐसी मजेदार सी कुछ चीजें मैं आपको दिखाता रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए आपसे लेता हूँ इजाजत और थैंक यू सो मच।